computers are. So staff here और customers here असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही क्योंकि मैंने काम करते थे उस समय और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ना था तो हमें भी उसी के साथ आगे बढ़ना था। देश को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जरूरी है। बहुत मेहनत और परेशानी के बाद धीरे धीरे स्टाफ ने और कस्टमर्स ने इस बदलाव को स्वीकारा। समय के साथ बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव का सैलाब आया और हर बैंक ने नए नए डिजिटल प्रोडक्ट्स लाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। डिजिटाइजेशन के साथ बहुत चैलेंजेस आए जिनको बैंक स्टाफ और कस्टमर्स ने फेस किया और आज भी फेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ इतने ड्रॉबैक्स हैं, हम बहुत कोशिश में लगे हैं, उस कंपटीशन में अपना आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस भी है कि इस जो टेक्नोलॉजी में हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी समस्याओं को कैसे दूर करें। और आज भी शायद सुबह जो डिस्कशन हो रहा था, जो हमने भाषण सुने सर के भी, और उसमें उन्होंने ये चीज कही है कि मैन पावर को तो डिक्रीज कर दिया है कि भाई टेक्नोलॉजी लाए, काम ज्यादा क्वालिटी का होगा और जल्दी होगा, लेकिन उसके नतीजे क्या हुए हैं? हमको हम सुबह जल्दी आ जाते हैं और अंधेरे में थक जाते हैं। सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर और अच्छे तरीके से हम कैसे इस्तेमाल करें, जिससे हम एक जैसे अभी हमारे ग्रुप टू का वो था वर्क और लाइफ के साथ कैसे बैलेंस मेंटेन कर सके। अब हमारी दो साथी इसकी पेश करेंगे आपके सामने। गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग आपके सामने एक सीट पेश कर रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं जो डिजिटल बैंकिंग को लेकर एक काफी सेटिस्फाइड है, दूसरा जो डिससेटिस्फाइड है।